तो दोस्तों आज हम बाल विकास पढ़ते हैं और बाल विकास में आज हम पढ़ेंगे गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं सिद्धांत की। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, गैसेल ने। कैसे याद रखना दोस्तों कि कोई चीज़ को परिपक्व करना हो या पकाना हो या क्या करना हो, पकाना हो, और किसी को पकाना है तो पकाते कैसे हैं, गैस से। तो गैस से क्या बना, गैसेल, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों परिपक्वता। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोविज्ञान में परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो ये किसने किया है, गैसेल ने। ये भी दोस्तों UPTET में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से याद से रखना है। नेक्स्ट दोस्तों गैसेल का पूरा नाम क्या है, अर्नोल्ड गैसेल। इन्होंने 1925 में यह सिद्धांत दिया था। एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यह जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं यह विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों विकास के कुल 8 सिद्धांत हैं। 8 में से दोस्तों हम आप लोग को 2 सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। पहला सिद्धांत था फ्रायड का सिद्धांत, दूसरा क्या है, एरिक्सन का सिद्धांत। दोस्तों अब हम ये तीसरा सिद्धांत आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों पहले के यदि ये 2 सिद्धांत आप लोग को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उन्हें देख लें। तो दोस्तों चलो हम शुरुआत करते हैं तीसरे के सिद्धांत की, ठीक है ना। तो ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि विकास से सर्वाधिक क्वेश्चन बाल विकास में पूछे जाते हैं, तो ये विकास के जो 8 सिद्धांत इनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग को। दोस्तों गैसेल के बारे में पढ़ते हैं कि यह एक अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका देश के थे। यह दोस्तों मनोवैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन इसके साथ ये शिक्षा शास्त्री और डॉक्टर भी थे। नेक्स्ट है दोस्तों परिपक्वता का संबंध इन्होंने किस चीज़ से बताया, तो परिपक्वता का संबंध इन्होंने पूर्ण विकास से बताने की कोशिश की है। आइए तो दोस्तों देखते हैं परिपक्वता की परिभाषा। तो परिपक्वता की परिभाषा क्या है दोस्तों, अनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर प्रकट होना परिपक्वता कहलाता है। जो हमारे अनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का निश्चित रूप से प्रकट होना ही क्या कहलाता है, परिपक्वता। चलो दोस्तों इस परिपक्वता की परिभाषा को हम बुंदेली परिभाषा के रूप में, बुंदेली परिभाषा में देखते हैं तो क्या होगी। तो दोस्तों इसे ऐसे याद रखना कि जो बालक जिस उम्र में पहुंच जाता है उस उम्र के गुण अगर उसमें निकल के आए तो उसे ही क्या कहते हैं, परिपक्वता। जैसे दोस्तों यदि लड़का युवा हो चुका है तो युवावस्था वाले गुण उसमें निकल के जो आने लगते हैं तो वो परिपक्वता कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन यदि युवावस्था वाले गुण कम उम्र में निकलते हैं तो वो परिपक्वता नहीं कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों विकास के नियम। तो विकास के नियम इन्होंने बताए थे, विकास के नियम में इन्होंने बताया था कि जो वृद्धि और विकास है यह वातावरण और अनुवांशिकता दोनों से प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब इसमें वृद्धि या विकास के लिए वातावरण और अनुवांशिकता दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्होंने क्या वो देखा बताया है, बालक के विकास की गति उसके तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती। तो ये पूछ सकते हैं किसने कहा है कि बालक के विकास की गति तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है, तो ये किसने कहा है, गैसेल ने कहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलो दोस्तों नीचे देखते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बताया है, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, ये है, ठीक है। जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होती है उनका मस्तिष्क विकसित होता है तथा उनके व्यवहारों में परिवर्तन आता है। तो ये महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण किसको दे रहे हैं, महत्व तंत्रिका तंत्र को। अतः ये कह रहे हैं कि जब तक जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र विकसित होगी वैसे हमारा क्या होगा, मस्तिष्क विकसित होगा। पहले तंत्रिका विकसित होगी फिर उसके बाद क्या होगा, मस्तिष्क, ठीक है ना, उसी के साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो हमारे आगे वाले हैं ये दोस्तों इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि एक भ्रूण का सर्वप्रथम क्या विकसित होता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जन्म के बाद बालक सबसे पहले किस चीज़ पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। चलो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं। तो क्या है, परिपक्वता एक निश्चित क्रम में होती है, ठीक है। परिपक्वता कैसी होती है, एक निश्चित क्रम में होती है। तो ये क्रम क्या है, क्रम को हम बाद में समझाएंगे, पहले दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखें। क्या लिखा है इसमें, एक भ्रूण का हृदय सबसे पहले विकसित होने वाला अंग है। भ्रूण मतलब जब गर्भ में बालक होता है तो वो वाला बालक है, ठीक है, उसका सबसे पहले क्या विकसित होता है, हृदय। उसके पश्चात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके पश्चात दोस्तों क्या होता है, पहले हृदय होगा और फिर क्या होगा उसके अंदर, उसके पश्चात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और बाद में क्या होते हैं, अंत में बाहरी अंग विकसित होते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जन्म के बाद बालक सबसे पहले अपने सिर तथा आंखों की गति पर नियंत्रण करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने आप लोग से पहले ही पूछ लिया। तो दोस्तों याद रखना, जन्म के बाद बालक जो होता है वह सबसे पहले अपने सिर पर और आंखों की गति पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके पश्चात गर्दन, कंधे, बाजू, यहाँ पर हाथ लगाए, हाथ
उंगलियां व पैरों पर कंट्रोल करता है, ठीक है, या नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने विकास के कुछ सिद्धांत दिए थे जिनमें उन्होंने बताया था कि एक मस्त कोधीमुखी क्रम में विकास होता है और निकट दूर क्रम में। मस्त कोधीमुखी क्रम क्या है कि बालक का जो विकास होता है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से कहाँ की ओर, नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क से सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों निकट दूर क्रम, इनका क्या कहना था, जो व्यक्ति का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उससे दूर की ओर विकास होता है, मतलब निकट से काई की ओर, दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ये दोनों बातें किसने कही थी, गैसेल ने कही थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह भी माना कि बालक के विकास में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी इन्होंने दोस्तों कि बालक का जो विकास है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों ये तो आप लोग ने विकास में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों गैसेल, गैसेल ने बालकों को उनके विकासात्मक कार्यक्रम से पढ़ने से पहले पढ़ने का विरोध है किया है। ये बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इससे रिलेटेड ऊपर नीचे करके वो क्वेश्चन पूछते रहे। तो गैसेल क्या कहते हैं दोस्तों कि इन्होंने कहा है विकासात्मक कार्यक्रम में से पहले पढ़ने का, मतलब वो कह रहे हैं जब तक बालक पूर्णतः विकसित ना हो उसके पहले आप शिक्षा ना दें। उनका कहना था कि जब तंत्रिका तंत्र में अनुकूल परिपक्वता आ जाती है तो बालक लगभग अलग अलग कार्यों को आसानी से सीख लेता है। अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं, इनको हम अपनी भाषा में समझाएं, बुंदेली भाषा में, क्या ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि बालक को पहले परिपक्व करो फिर उसे पढ़ाओ, और यदि जब बालक परिपक्व होता है उसके बाद यदि हम शिक्षा उसे देते हैं तो वह बहुत तीव्र गति से शिक्षा ग्रहण भी करता है और सफलता भी बहुत ज़्यादा पाता है। ये किसने कहा है, गैसेल है, हमने नहीं बोला, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनका सिद्धांत ये बहुत हद तक सही भी है। जैसे कि दोस्तों आज बालक क्या है, बालक की आयु 2 साल या 3 साल होती है और हम स्कूल को भेज देते हैं, उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। ये कह रहे हैं पहले बालक को परिपक्व करो फिर उसके बाद वहाँ उसे पढ़ने भेजो। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बोले हैं, एक है रेसिप्रोकल इंटरव्यूइंग और दूसरा है रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, और दूसरा क्या है, आत्म विनियमन। तो दोस्तों चलो हम इनकी परिभाषा देखते हैं फिर उसके बाद हम आप लोग को बुंदेलखंडी परिभाषा में तो समझा ही देंगे। तो दोस्तों याद रखना रेसिप्रोकल इंटरवीविंग क्या है, गैसेल ने रेसिप्रोकल इंटरवीविंग शब्द का उपयोग किया। उसके अनुसार जब दो विपरीत प्रवृत्तियाँ एक प्रभावपूर्ण संतुलन प्राप्त कर लेती हैं तो उसे रेसिप्रोकल इंटरव्यूइंग कहा जाता है। चलो दोस्तों इसे बुंदेली में देखें, रेसिप्रोकल इंटरव्यूइंग है क्या। तो दोस्तों याद रखना जैसे कि हमारे पास दो विपरीत आदतें हैं और जब ये विपरीत आदतें दो विपरीत आदतों में से हम किसी एक आदत को अपना लेते हैं तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इंटरव्यूइंग। अब ये इन्होंने क्यों कहा था, तो दोस्तों ये इन्होंने हाथ के हिसाब से इसका उपयोग बताया था। जो बालक होता है तो बालक जो होता है सबसे पहले जब उसका जन्म होता है तो बालक दोनों हाथों का बराबर उपयोग करता है, लेकिन बालक धीरे धीरे उनमें से या तो लेफ्ट या राइट हैंड से ही पूरा कार्य करता है। तो इस तरह की जो क्रिया होगी ये विपरीत क्रिया हो जाएगी, दोनों हाथ विपरीत हैं लेकिन वो लेफ्ट हैंड हो गया राइट हैंड वाला। तो ऐसी कंडीशनों को क्या बोले, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, ठीक है। जब दो विपरीत प्रवृत्तियाँ एक प्रभावपूर्ण संतुलन प्राप्त कर लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। दोस्तों समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, ये तो गारंटी है। नेक्स्ट देखते हो दोस्तों आत्म विनियमन, तो दोस्तों याद रखना आत्म विनियमन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, गैसेल ने माना कि नवजात शिशु भी अपने स्वयं के विकासात्मक प्रवृत्तियों का विनिमय कर पाते हैं। विशेषकर उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि शिशु अपने खाने पीने सोने के विशिष्ट समय को जल्द ही विनियमित कर लेता है। तो दोस्तों ये तो बुक्स की परिभाषा थी, हमने वैसे ही दे दी। अब देखते हैं दोस्तों अपनी बुंदेली परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों बुंदेली परिभाषा देने से पहले यदि वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो तभी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अन्यथा बिल्कुल भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करें, ठीक है ना दोस्तों। चलो दोस्तों आत्मनियमन को हम अपने शब्दों में समझाएं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बालक है, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों जो छोटा बालक होता है उसका कोई नियम टाइम नहीं होता कि कब उसे सोना है, कब उसे जागना है, कब लैट्रिन करना है, ये कोई टाइम नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे बालक का जैसे ही विकास होता जाता है
तो वह अपने सोने के, खाने पीने के, लैट्रिन करने के सभी समय का निर्धारण कर लेता है, तो उसी को कहते हैं आत्म विनियमन। दोस्तों आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और यहाँ पर एक पॉइंट था जो पूछा गया था पेपर में, ठीक है ना, ये था। तो याद रखना, गैसेल का मानना था कि विकास के आंतरिक कारकों में जीन्स सर्वाधिक प्रभावी होता है। दोस्तों वर्ग एक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे याद रखना दोस्तों, गैसेल का मानना था कि विकास के जो आंतरिक कारक होते हैं उसमें जीन्स सर्वाधिक प्रभावी। तो दोस्तों इसको इस तरह समझें आप अपनी भाषा में कि विकास जो होता है, विकास में आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जितने भी आंतरिक कारक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुख्य क्या है, जीन्स का सर्वाधिक योगदान होता है। दोस्तों इन्होंने एक और बताया था कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, तो उस क्रम को आप लोग देख लें दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने ये देखा है कि बालक जब गर्भ में होता है तो कुछ इस तरह होता है। जैसे ही दोस्तों बालक जब 2-1 साल का हो जाता है तो वो है केवल उल्टा होना सीख जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब बालक 2 माह का होता है तो अपने सिर को ऊपर करना सीख जाता है छाती के भर, ठीक है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जब बालक 4 माह का हो जाता है तो यह दूसरों के सहारे बैठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब यह 7 माह का होता है जब पूर्णतः बैठ जाता है, और जब यह है जब यही बालक 9 माह का होता है तो वह किसी के सहारे से खड़ा हो जाता है, और जब यह 10 माह का होता है तो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, और फिर जब यह 11 माह का होता है तो किसी के सहारे से चलना शुरू करता है, लेकिन यह 11 माह में पूर्णतः खड़ा हो जाता है, और 12 माह में ये खड़ा होकर चलना भी शुरू कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो समय दिया गया है ये जरूरी नहीं कि एक क्लियर ही समय हो, क्योंकि कई ऐसे बालक होते हैं जो 12 माह में चलना प्रारंभ करते हैं, कुछ ऐसे बालक होते जो 8 माह में, कुछ ऐसे होते जो 2 साल तक भी चलना प्रारंभ नहीं करते हैं। तो ये एक एवरेजिंग जो बताया था गैसेल ने उसके बारे में है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान आप ना दें। जो हमने पहले क्वेश्चन दिए हैं उन पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना था, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।